हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ अभी तक जारी है, इसलिए कि उस कॉन्स्पिरेसी के अंडे जो हैं वो अभी भी जन्म ले रहे हैं और उसमें से जो गंदे बच्चे निकल रहे हैं वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। कभी वो कोई कप्तान बनता है, कोई लीडर बनता है, सारे आरओ के बनाए हुए लीडर हैं। बड़े जियाले का बड़ा वार, कप्तान आरओ लीडर करार। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें अब तक जारी हैं, आइंदा इंतखाबात जीत कर दिखाएंगे। आसिफ जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में खिताब, हमेशा पीठ में छुरा घोंपा। नवाज शरीफ पर तंज, एनआरओ की कोशिश नाकाम बनाने का अज़्म। आज भी आप कोशिश कर रहे हैं कि एनआरओ मिले आपको। हम मगर इस्तीफा एनआरओ किसी ने देने की कोशिश की तो हम उस एनआरओ को रद्द भी करेंगे और हम रोकेंगे भी। कातिल कातिल मुशर्रफ, कातिल 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 या अल्लाह या रसूल। बिलावल ने परवेज मुशर्रफ कातिल के नारे लगवा दिए। बेनजीर को आमरियत से लड़ने और जमहूरियत का दिफा करने की सजा दी गई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का बीबी की यौम शहादत पर खिताब, अदलिया की आजादी और वकार के लिए जिद्दोजहद का आज़म। उठने लगी महक, नजर आ गई बिरयानी की झलक। जियाले खाना देखते ही यूसेन बोल्ट बन गए। गड़ी खुदा बख्श में एक्शन से भरपूर मनाजिर, छीना झपटी। नवाज शरीफ अपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए तैयार, अब घर नहीं बैठेंगे, आइन की हुक्मरानी का पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे। साबिक वजीर आजम की मशावरती इजलास में गुफ्तगू, अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत। आवाम ने अदालती फैसला कबूल नहीं किया, शेरवानी सिलवा कर रखने वालों को शर्मिंदगी होगी। आसिफ जरदारी और पीटीआई ने कौन से काम किए, वजीर आजम का सवाल। हजारा मोटरवे का बुरहान से शाह मकसूद, इंटरचेंज सेक्शन का इफ्तिताह। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, सेनेट में काफ लीग का पार्लियमान लीडर तब्दील। मुशाहिद हुसैन सैयद की जगह सईद मंदोखेल को लाने के लिए दरखास्त जमा। नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में डलवाएंगे, हुदैबिया पेपर मिल्स केस जनवरी में दायर किया जाएगा। शेख रशीद का डीजी खान में खिताब। निजी मेडिकल कॉलेजेस की जायद फीसों का केस, अदालती हुक्म के बावजूद तालिब इल्म को दाखिले की ऑफर पर फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर को मुअत्तल कर दिया गया। खातून वकील को फोन करने पर गवर्नर पंजाब के बेटे की कल तलबी, फीस का तरीका सुप्रीम कोर्ट तय करेगी और वही वसूल की जाए, चीफ जस्टिस के रिमार्क। यूनिवर्सिटीज के गैर मयारी लॉ कॉलेजेस से इल्हाक का केस, सुप्रीम कोर्ट ने 9 जामियात के वाइस चांसलर्स को 20 जनवरी को तलब कर लिया। क्या लॉ कॉलेजेस रूल्स पर पूरा उतरते हैं, जस्टिस साकिब निसार का इस्तफसार। नौकरियों के ख्वाहिशमंद हजारों अफराद से खिलवाड़, सिंध भर के नौजवानों की दरखास्तें कचरे का ढेर बन गईं। कई महकमों में जमा लाखों कागजात बिना देखे ही रद्दी की नजर। दुनिया न्यूज के तहलका खेज इंकशाफात ने हलचल मचा दी। आर्मी चीफ की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह आमद, जनरल कमर जावेद बाजवा का दिफाई आलाप के शोबे में मुकम्मल खुद मुख्तारी के लिए अपग्रेडेशन पर जोर। POF वाह कॉलोनी संजौल का इफ्तिताह। बाजोड़ से फरार TTP का दहशतगर्द अफगानिस्तान में मारा गया। जान वली शीना मुल्क में तखरीबकारी की कई वारदातों में मुलव्वस था।
डॉलर से लगने वाली महंगाई की आग अब पेट्रोल से मजीद भड़केगी। नए साल का तोहफा तैयार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए लीटर तक इजाफा मुतवक्के। लाहौर में तरक्याती काम के लिए दरख्तों का कत्लेआम, ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की राह में हायल, पेड़ काटे जाने लगे, जीपीओ चौक में ढेर लग गया। कराची में पीएसएल का फाइनल कराने को तैयार है, परेशानी की जरूरत नहीं, मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे, वजीर आला सिंध की यकीन दहानी। सबसे पहले आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें अब भी जारी हैं, कप्तान आरओ लीडर हैं। गड़ी खुदाबख्श में कारकुनों से खिताब करते हुए साबिक सदर ने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा। ये भी कहा कि एक बार फिर एनआरओ की कोशिश जारी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कोशिश कामयाब नहीं होने देगी। आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें अब भी जारी हैं, कप्तान आरओ लीडर हैं, और गड़ी खुदाबख्श में कारकुनों से खिताब करते हुए साबिक सदर ने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा। हमारी पार्टी के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी हुई है और वो कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ अभी तक जारी है, इसलिए कि उस कॉन्स्पिरेसी के अंडे जो हैं वो अभी भी जन्म ले रहे हैं और उसमें से जो गंदे बच्चे निकल रहे हैं वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। कभी वो कोई कप्तान बनता है, कोई लीडर बनता है, सारे आरओ के बनाए हुए लीडर हैं। हम सबर हमने किया। मैं अपने मुखालिफों को कहना चाहता हूँ, इतना करो कि हम सह सकें, ऐसा न करो कि हम उफल जाएं। और आपको भी याद करा दें, इसलिए कि आप में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। मैं जानता हूँ कि किस तरह आप आंखों से रोते हैं जब जेलों में जाते हैं। आपका एनआरओ चल रहा था, जो आज भी आप कोशिश कर रहे हैं कि एनआरओ मिले आपको। हम मगर इस दफा एनआरओ किसी ने देने की कोशिश की तो हम उस एनआरओ को रहे और हम रोक पे गए भी। ये क्या मजाक है कि हमको 12-12 साल जेलें काटनी पड़े हैं और उसके बाद हमारे 15 साल 25 साल के बाद हमारे केस बरी हों हम, और आप जो हैं वो 12 महीने के अंदर जेल से निकल के जरूर पैलेस में पहुंच के उसके बाद आए और आपके 3 महीने में केस खत्म हो जाए। ये तो दोहरा इंसाफ नहीं चलेगा। जिस तरह आपको इश्यूज है, हमें भी इश्यूज है आपसे, और आपने हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। इस दफा हम आपके फैलावे में नहीं आएंगे। आप दोस्तों को मेरे तरफ से ये मुबारकबाद मैं आपको पहले देना चाहता हूँ कि आप फिक्र मत करो, मैंने इनको संभाला हुआ है, मैं इनको जकड़ के इनसे इलेक्शन जीतूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और तीरों की बरसात यहीं खत्म नहीं हुई। बिलावल भुट्टो भी बोले और कहा कि बेनजीर को आमरियत से लड़ने की सजा दी गई। बिलावल ने मुशर्रफ कातिल के नारे लगवा दिए। अदलिया की आजादी और वक्कार के लिए जिद्दोजहद के आजम का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बीबी के यौम शहादत पर खिताब किया। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। बीबी शहीद, ये कातिल हुकूमत है। कल आपको अदालत फिराने वाले हुक्मरान आज अदालत के बाहर चीख रहे हैं, अपने सार पीट रहे हैं। हाँ मेरी कायद, वो आपकी और आपके अजीम वालिद की मसाले देकर खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हम इन्हें जानते हैं, इन्होंने भुट्टो शहीद के कातिलों का साथ दिया, उन्हें इंसाफ से महरूम किया। जो दूसरों को चोर चोर कह रहे थे, आज सबसे बड़ी चोरी में पकड़े गए हैं। जो इंसाफ के सौदागर थे, वो आज इंसाफ की दोहाई कर रहे हैं। ने आपकी ताजियत तक नहीं की, वो सिंध में आकर
جگہ جگہ آپ کو مظلوم کہہ رہا ہے. اس کی سیاست انگلی کے اشارے پر چلتے ہیں. وہ جو مذہب کی پیوپاری سے آپ باغی تھی, وہ جو مذہب کے ٹھیکے داروں سے آپ باغی تھی, وہ آج پھر سے اپنا سر اٹھا رہے ہیں. جس عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ نے جدوجہد کی, بی بی شہید, اس عدلیہ سے ہمیں انصاف نہیں ملا. قاتل 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 قاتل. اور آج برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی کے جیالے کھانا دیکھ کر جلال میں آ گئے. کھانوں کی مہک نے جیالوں کے ہوش اڑا دیے. گاڑی خدا بخش نے گاڑی کو دیکھتے ہی ایکشن سے بھرپور مناظر دیکھنے کو ملے. چھینا جھپٹی, کسی کا مشن کامیاب ہوا تو کوئی صرف ہاتھ ہی ملتا رہ گیا. آئیے کھانے کے یہ جیالوں کے ایکشن آپ کو بھی دکھاتے ہیں.